आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट आज हम देखेंगे वन पॉइंट टू एंडल्स एंड द लाइन का जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे ठीक है स्टूडेंट ये क्लास एट की जो बुक है उसके से लिया गया है चिटचैट से लेकर जो भी क्वेश्चन वो सब देखेंगे तो देखो क्या है चिटचैट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं फिफ फाइव क्वेश्चन इसके पूरे आंसर मैंने लिख के आपको दिए हुए हैं ये देखिए है. ठीक है क्या है देखो हैव यू एवर हेल्प्ड एनी वन क्या आपने आज तक किसी की हेल्प की है कभी क्यों किए भाई है? है ना क्यों करना पड़ा तो आंसर है यस आई हैव हेल्प माई फ्रेंड वेन ही वॉज इन ट्रबल जब वो क्यों किया क्योंकि वो क्या था मुश्किल में था ठीक है ना मैंने क्या किया अपने फ्रेंड की दो हेल्प की है वेन ही वॉज इन ट्रबल जब वो मुश्किल में था ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर यानी अगर आपका दोस्त लड़का है तो हिम और गर्ल है तो हर आएगा ठीक है ना तो आपने उसकी हेल्प कैसे की आंसर आएगा आई गेव हिम सम मनी टू हेल्प हिम मैंने क्या किया उसे कुछ पैसे दिया उसकी सहायता करने के लिए ठीक है ना ठीक है पैसे दे के हेल्प किया मैंने है ना थर्ड क्या हैज़ एनी वन एवर हेल्पड हैज एनी वन एवर हेल्पड यू इन योर नीड क्या किसी ने आपकी yes, हेल्प हाँ, की है जरूरत के समय आंसर देखो यस माई फ्रेंड हैज़ हेल्प्ड मी हाँ मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की है फोर्थ हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम और जब आपके दोस्त ने आपकी हेल्प की तो आपने उस समय कैसा फील किया आंसर आएगा आई फेल्ट वेरी प्लीज एट दैट टाइम मैंने उस समय बहुत अच्छा महसूस किया खुश महसूस किया एट दैट टाइम है ना फिफ्थ है हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर आपने अपना एहसान कैसे जताया आपकी कोई हेल्प करता है तो आप एहसान जताते ना वाह आपने इतनी हेल्प की थैंक यू वेरी मच ये वो तो आपने कैसे थैंक यू बोला उनको कैसे ग्रेटिट्यूड दिखाया आंसर आएगा आई हग्ड हिम मैंने क्या किया गले लगा लिया उसे अपने दोस्त को टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू हिम उसे अपना एहसान दिखाने के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ठीक है ना ठीक है आगे देखो अगली क्या एक्सरसाइज क्या करना है आपको डिस्कस करना है विद योर बैचमेट एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी फाइव स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी बहादुरी के ऊपर जो कोई पांच स्टोरी का यहाँ पर नाम लिखना है और इस स्टोरी का जो हीरोइन हीरो है उसके नाम इस साइड लिखना है आपको ठीक है तो देखो सीधे आंसर आपके सामने ये आ गए स्टूडेंट वो स्टोरी कौन सी अकबर एंड बिरबल इसका जो हीरो जो और हीरो मेन कैरेक्टर कौन था बिरबल इस स्टोरी का जो हमने सुनी है झांसी की रानी वाली स्टोरी हमने सुनी है इसकी जो मेन कैरेक्टर थी वो हीरोइन hero, कौन थी रानी लक्ष्मीबाई ठीक है एक है विक्रम बेताली स्टोरी सुनी हुई हमने इसका जो मेन कैरेक्टर कौन है विक्रमादित्य है ना इसका जो मेन हीरो है फिर है तेनाली रामन कौन है इसका हीरो तेनाली रामन ही इसका मेन हीरो है और स्टोरी भी उसी नाम की जर्नी टू द वेस्ट सेवंथ क्लास में आपने पढ़ा है ना ये भी एक बहादुरी के ऊपर स्टोरी की कौन है इसका मेन कैरेक्टर युआन चौंग है ना ये निकलता है जर्नी करने के लिए ठीक है सेवंथ क्लास में पढ़ा होगा आपने आगे देखते क्या कुछ है ये एक्सरसाइज दी है उसने यहाँ पर क्या दिया कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायम देखो लायन के ऊपर क्या क्या फैक्ट है उसे क्या करना है आपको कंप्लीट करना है ठीक है फ्रॉम द अल्टरनेटिव चूजिंग फ्राम द अल्टरनेटिव पहला देखो क्या है लायंस आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस ऑफ द जंगल जंगल के क्या कहे जाते हैं उन्हें किंग कहते हैं ना तो किंग आएगा पहले में दूसरा क्या है लायन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कौन से एनिमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं है ना ये आएगा कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं है ना उन्हीं की फैमिली से आते हैं लायन ठीक है लायन्स आर एनिमल कैसे एनिमल है कारनी वॉरस है हारबी वॉरस है या ओमनी वॉरस है क्या है ये आपको बता दूं स्टूडेंट हार्बी वॉरस मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं वारस मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल को भी खाते हैं और ये होते हैं कार्निवारस ओनली एनिमल पे अटैक करते हैं किस पे एनिमल पे ठीक है यहां पर क्या आएगा कार्निवॉरस क्लियर है यहां पर दिया हुआ लायंस अ वा मेल मेन अराउंड देयर नेक बट लायनस डू हैव इट देखो हम्म क्या होता है स्टैंड जो लायन या लायन, लायन के आसपास ना बहुत सारे बालों का गुच्छा रहता है बहुत सारे बाल रहते हैं उसके गर्दन में उसी को क्या बोलते हैं मेन तो ये मेन लायन में होता है कि लायनेस में होता है ये पूछा है आपको इसका आंसर आएगा मेल में होता है मेल मतलब लायन में होता है लायनेस में नहीं होता सही है लायनेस के गर्दन के आसपास बाल नहीं होते मतलब जिसको मेन कहते हैं वो नहीं होता मेल में होता है मतलब लायन में ही होता है ठीक है आगे देखो क्या है

इंग्लिश वर्कशॉप है वो अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट अगर आपको मेरी एक्सरसाइज की जो सीरीज है पसंद आ रही तो कमेंट करके बताना कि सर प्लीज इसे कंटिन्यू इसी तरह से रखिएगा ओके थैंक यू मच